राजकुमारी का बर्थडे मनाया गया, आज वो एक साल की हो गई है, दो केक काटे गए, इस तरह का जो आयोजन था बहुत ही सुंदर था। एक बेबी हिप्पो को समर्पित पूरी तरह से, केक पे हिप्पो भी बना था, उनका नाम भी लिखा हुआ था। राजस्थान में अपने यहीं पे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जब हिप्पो लाया गया तो यहाँ के जो स्टाफ है हमारा, उन लोगों ने जो मेहनत की, जिस प्रकार से इनकी देखरेख की, क्योंकि ये यहाँ का जो है एक प्राकृतिक जानवर नहीं है, उसके बावजूद यहाँ जो उसको सुविधाएं मिली और हमारे स्टाफ की जो देखरेख रही, उसके कारण उसका सफल प्रजनन हुआ। और सफल प्रजनन के बाद आज लगभग एक साल पूरी हुई है आज बच्चे को, तो हम सभी जो यहाँ का स्टाफ है जिन्होंने जो मेहनत की है, उनका उत्साह वर्धन के लिए जो हमारे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ने आज ये आयोजन किया है। जी शैतान मीना नेला की विंध्या भाटा ने थाने की रिपोर्ट दी कि उसका पुत्र दीपक मीना, जिसकी उम्र 24 साल है, वो दिनांक 14 तारीख को शाम को 8 बजे घर से खाना खाके निकला था, जो घर से वापस नहीं आया। जिस संबंध में थाने पर हमने गुमशुदगी दर्ज करके उसकी तलाश जारी कर रहे थे, और उसकी मोबाइल वगैरह जो है स्विच ऑफ था, और उसके मोबाइल की कॉल डिटेल हमने मंगवाई जो अभी प्राप्त होनी शेष है। इसी दौरान तलाश के दौरान गाँव वालों से पता पड़ा कि भाई विंध्या भाटा में ही गाँव के पास में लोहार का कोई कुआ है, उसके अंदर उसकी बॉडी पड़ी है, जिसको हमने बाहर निकलवाया है और मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम जारी है। आइंदा प्रार्थी द्वारा जैसी रिपोर्ट दी जाएगी वैसे हर कानूनी कार्रवाई हमने। सुबह रिको एरिया जो दैनिक भास्कर कार्यालय के सामने, यहाँ एक दंपत्ति रहती है, उनके मृतक हैं संतोष देवी, उनके पति कई महीनों से कोविड से पॉजिटिव से पीड़ित थे, जिनके कंटिन्यू ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, तो उसमें कोई सुबह एक्सरसाइज कराते समय ऑक्सीजन लीकेज होने की वजह से ये शॉर्ट सर्किट हादसा हुआ है, जिसमें पति पत्नी दोनों झुलस गए और पत्नी संतोष देवी की दौरान इलाज मृत्यु हो गई। अभी पति उनके एडमिट है या हॉस्पिटल में, उनका इलाज जारी है, के संबंध में अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई हम करके आगे सर।